अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सैयद रावल शाह की दरगाह पे और हमारे साथ राना अयूब है, जो कि आज हम रावल शाह की दरगाह पे अयूब के कहने पे यहाँ पहुँचे हैं और इस दरगाह की वीडियो बनाएंगे। और दरगाह पे कई दफ़ा आया हूँ और यहाँ पे वो सामने देख लो, यहाँ पे कदीमी बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे और दरगाह पे आपको लेके जा रहे हैं। आओ, शदादपुर से 2 किलोमीटर दूर, हाँ, 2 किलोमीटर बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। तो नज़दीकी जडूले शाह की दरगाह है, वहाँ पर भी लोग आते हैं और इस दरगाह पे भी हमारे शहर बल्कि हमारे जटिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं इस दरगाह पे घूमने के लिए। तो दरगाह का आपको विजिट कराते हैं। तो अभी मेला भी लगा हुआ था कुछ दिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अज अस मौजूद आयूँ सैयद रावल शाह की दरगाह से। तो उत्ते अदो मिलो लाल दीन जो सो गाओ इतने फकीर है ना, इन चाचो कबूल फकीर, कबूल फकीर आयो बुधाई असते चाचो डी में लगन इतना कड़ा संभाली रखी कह कड़ा फकीर है तो एक अद्धे का पुछा कर भाव तुम बुधास गाओ बाजू गाओ अजुर्बश गाओ शायब गाओ वदीन साईं जा जो को हर महीने की चोली लगराइन सा दुरूद शरीफ की महफिल तमाम वड़ी थी साईं से बारह महीने की दुरूद शरीफ बहादुर गाओ कराइंदो आए फकीर बहादुर गाओ जो को साईं जी इतने महफिल थी साईं जी वे में वही वरसी लगाइंदा बारह महीने की माझी फकीर गाओ इंदो आ गायण बारह महीने जी वही साईं जी थी चोली हर महीने की थे वरसी जी बारह महीने वरसी बारह महीने थी साईं जी जो है ना साईं जी वही वरसी थी दुरूद शरीफ की महफिल वो ही मैदान सजो सजा जी बार बच्चो हर रात रात डी जो नंगर चाँ जी सबील हर शे जो इंतराम मकबूल गाओ बाजू गाओ कंदा। अच्छा थोड़ो असेंगे यो बुधायो ता हिते असा डिठो आ तो माशाल्लाह बार सुठो इंतजाम लगो पे सब गाल जो बेहतरीन वडे में वडो इस्तराम आ जो को ही पांजे खर्च ते ना गवर्नमेंट जो आ ना केन जो आ ही सब गाल पांजे खर्च ते आ है ही नगर न्याद घरार जी पची दो आ साईं ते अची ते अच्छा लतीफ साईं भी आयो ते लतीफ सरकार जड़ी साईं वारा हुआ ना तडी हिते मना सा पान तबलीग कया ही चिलो पचायो चिलो पचायो हां चिलो पचायो लतीफ सरकार अच्छा साली संभाल जो कंदो आ जो जिन जे हथ में आ भाऊ जे नाम छ वो बाजू आ मोजो सोटरा ए मकबूल गाहो मकबूल गाओ हाँ जी जी साईं जो तक दिखारा जैमी साईं जो लतीफ सरकार जो चिलो आ अच्छा। तारीखूँ जो पत्थर से लिखल तो केतो अरसों पुराणो दरगाह है जाति साईं की पाँगी आ न कंजो थोड़ो आ न जुणे जन जो गोठो जुणे जन का साईं जमीन वी जुणे जन के रखो इतने जुणे जो अज ती मना सहे को साईं जुणे जे जो लाश रखंदा माना दर का बाहर परी बा अच्छा जुणे सा सा साथ था ना ये अदा जन असा के वडी गाल बुताई आ इते जो का जुणे जा फैमिली जो लाश इंदो आ त बाहर हलियो तो वने आ उनन के न सा दान छो त इन सा साईं का जमीन वेण ला गोरी न दिनी पो इन साईं केरी पैसन सा दिनी साईं के अच्छा अच्छा लतीफ सरकार चिलो पचायो दरगाह चिलो पचायो लतीफ सरकार इतने अस पानी भरी गुंडियो पन पानी भरी पखी इंदा मोर पखी इंदा चुगंदा खाईंदा साई जो खिदमतदार
गादी मिशन मकबूल गाओ गाओ बाजू गाओ जो सो खर्च मल थे वसाण थे सो उत्तर असान दूसरी खूबी है कब्रिस्तान में जूने जाने दफनाया जाए हां वो भी जाती वन 24 जातन का मथे है इतरो इन मुकाम में असा जो वडो मुकाम इन तर में असा जे वडे में वडो मुकाम ही है वडे में वडो मुकाम ही है एडो पियो ना है 20 एकड़ पे आई है 20 एकड़ पे पानी पानी पक्की वक्त सब आटे मिलते हैं मोर की खूब बड़ा कबटा है धारा जिसको बांग जिसको वो के दूध वो ट्रेलर हो साइकिल पर मानू का थोड़ो मानू का सुबह मल सवेले अच्छी बाग के अंदर मोर ये भी साईं के हैं कम से कम भी ये मोर 200-250 बताए जाते हैं अंदर घूमते हैं पूरे पूरे पाकिस्तान में इन मोरों को कोई भी नहीं पकड़ता और ये भाईजान जो इनको पानी वगैरह पिलाते हैं और दाना वगैरह खिलाते हैं तो भाई से बने हुए इनके पास आ जाते हैं जब ये खाना वाना खिलाते हैं इनको दाना वाना खिलाते हैं पुजे तो इन ला बाजरी जा इन जी जो को खुराक वठी साईं दे मोकलियो इनन के दीन दादी फी सके लेला तो इनके जो मोरों के जो बने होते हैं झुंड 10-15-20 अभी जो हमने एक झुंड देखा यहाँ पे गया तकरीबन 10-12 मोर होंगे व्यूअर्स ये जो आप कुब्बा देख रहे हो ये मीरों के दौर का कुब्बा है और ये बहुत ही कदीमी है बहुत पुराना जिसका आपको दिखाते हैं अंदर का इस वक्त में बिल्कुल ही खस्ता हाल है दीवारें भी इसकी बहुत मोटी हैं पुराने दौर की दीवारें बनी हुई हैं तो अंदर से भी इसको दिखाते हैं मीरों के वक्त का कुब्बा जो आपको दिखा रहे हैं तो इसकी दीवारें व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी मोटी हैं और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है तो इसके साथ हमें दीजिएगा अल्लाह हाफिज़।